गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का टॉपिक है माइक्रोमीटर। इसे हम स्क्रू गेज भी कहते हैं। जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस समय, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसका प्रयोग हम ब्रेक डिस्क को मेजर करने के लिए, क्रैंक के जर्नल को मेजर करने के लिए करते हैं। ये बहुत ही प्रिसाइज टूल है, बहुत ही प्रिसीजन माप इसके द्वारा हम ले सकते हैं। तो आइए इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। ये जो माइक्रोमीटर आप देख रहे हैं, ये मीटुटोयो कंपनी का है। इसका रेंज है 0 से 25 मिलीमीटर, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। अब इस पार्ट को हम एनविल कहते हैं। ये स्पेंडल होता है, ये लॉकिंग स्क्रू है, इसको फ्रेम बोला जाता है। तो ये सामने जो स्केल दिख रहा है आपको, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और फिर इसमें 1, 2, 3, इस प्रकार से 5, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो ये एक एक जो डिवीजन है यहाँ पे 1 1 mm का है, और इसे हम मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। इसके नीचे जो रीडिंग है उसे हम सब स्केल रीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो 0.5 अर्थात आधा आधा mm का जो है इसमें रीडिंग दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो स्केल है इसको हम थिम्बल स्केल बोलते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें 50 डिवीज़न दिए गए हैं, और एक डिवीज़न का जो वैल्यू है वो है 0.01 मिलीमीटर है। ये उसका लीस्ट काउंट है। तो जनरली इसको जब हम, अगर यहाँ से हम इस थिम्बल स्केल को पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, मतलब यहाँ से 0 लेकर, 0 से स्टार्ट करके फिर 0 लाते हैं, तो ये जो स्पिंडल है ये 0.5 mm आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मतलब अगर हम इसको पूरा एक चक्कर घुमाएंगे तो ये 50 डिवीज़न चलेगा थिम्बल स्केल में। और उसी दौरान आप देखेंगे कि जो सब स्केल वाला रीडिंग है उसमें 1 डिवीज़न आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम इसको एक चक्कर और घुमा देंगे तो ये क्या करेगा, फिर से 50 डिवीज़न घूमेगा और वो मेन स्केल में क्या हो जाएगा, 1 डिवीज़न शो करेगा। इसका ये मतलब है कि यदि हम इसको पूरा बंद करके, इसको हमने पूरा क्लोज कर दिया, तो अगर हम इसको उल्टा एक चक्कर घुमाएंगे तो 0.5 का रीडिंग इसमें आएगा। फिर एक चक्कर हम उल्टा घुमाएंगे तो 1 mm का रीडिंग आएगा, और फिर एक चक्कर उल्टा घुमाएंगे तो वो 0.5, 0.5, 0.5, इस तरीके से वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें मेन स्केल जो रीडिंग है उसमें 1 डिवीज़न जो है वो 1 mm के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी डिवीज़न हैं 1 1 mm का है। और उसके बाद ये सब स्केल रीडिंग है जिसमें 1 डिवीज़न जो है 0.50 मिलीमीटर है। ये वाला जो स्केल आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे थिम्बल स्केल रीडिंग है जिसका 1 डिवीज़न 0.01 मिलीमीटर है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। टोटल वैल्यू जो आएगा इसका वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सब स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में थिम्बल स्केल रीडिंग और गुड़े लीस्ट काउंट, ये इसका फार्मूला है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो टीवी मतलब टोटल वैल्यू बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस सब स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में थिम्बल स्केल रीडिंग गुड़े लीस्ट काउंट, ये उसका शॉर्ट रूप। तो आइए आगे इसमें देखते हैं कैसे हम इसकी रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर यूज करने से पहले इसका जीरो एरर
चेक करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम इसको पूरा टाइट कर देंगे, यहाँ से थिम्बल स्केल को पूरा टाइट कर दिया, जेंटली टाइट करना होता है, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट, पीछे रैचेट है उसके द्वारा जब टाइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो सेंटर लाइन या डेटम लाइन बोलते हैं, बीच वाली जो लाइन है मेन स्केल और सब स्केल के बीच के जो लाइन है, वो जीरो लाइन से यदि मैच हो रहा है तो इसमें कोई एरर नहीं है, जीरो एरर इसका ओके है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले ये जो एरर है इसको चेक करना है, और अपने इवेल्युएटर, जो भी आपके सामने इवेल्युएटर है, उसको ये चीज़ें दिखाना है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जब हम इसको पूरा टाइट कर देंगे तो जो सेंटर लाइन है वो थिम्बल स्केल वाली लाइन के जीरो से मैच होना चाहिए। इसके आगे हम एरर भी कैलकुलेट करना बताएंगे, वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो टोटल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें एक रीडिंग ली गई है, डिस्क को मेजर किया गया है और उसमें रीडिंग आप कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, राइट रीडिंग लिखा हुआ है, सही रीडिंग इस तरीके से निकाला गया है, और इसको रॉन्ग रीडिंग मतलब गलत जो रीडिंग होता है वो इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या चाहिए फार्मूले में, मेन स्केल रीडिंग। तो हमें मेन स्केल रीडिंग पढ़ना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ऊपर वाली स्केल है इसमें कितने खाने आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 20 दिख रहा है, 21 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो 22वीं लाइन है आपको करेक्ट नहीं दिख रहा है, तो लेकिन जो जीरो है वो नीचे है, सेंटर लाइन से जीरो नीचे है, अर्थात ये है कि ये क्या हो गया, एक चक्कर क्रॉस कर गया है, क्रॉस करके यहाँ से नीचे निकल गया है। तो हम इसमें जब ये जीरो आपको सेंटर लाइन से नीचे मिल रहा है और ऊपर वाली लाइन में वो टच कर रहा है कोर उसका, तो हम ऊपर वाली लाइन ले लेंगे। तो इसमें मेन स्केल रीडिंग आप 22 रखेंगे, 22 डिवीजन है तो एक डिवीजन 1 mm के बराबर है, तो 22.00 mm हो गया। उसके बाद इसमें देखेंगे सब स्केल रीडिंग, तो सब स्केल में आप देखेंगे ये 21 है और ये 21.5 है, तो जब आपने 22 ले लिया है तो आप नीचे वाले स्केल में 21.5 है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 21, ये 21.5, और जब 22 ले लिया आपने तो आपको नीचे वाली रीडिंग नहीं लेना है, तो मतलब उसको जीरो मान के चलेंगे। और उसके बाद थिम्बल स्केल रीडिंग में देखेंगे ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन उसके नीचे कितने खाने हैं उसको चेक करना है, तो जीरो के बाद 1, 2 डिवीजन जो है नीचे की तरफ वो क्रॉस कर चुका है। तो अब एक डिवीजन का वैल्यू है 0.01 mm, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0.02 mm। अब इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू आपको निकल के आएगी वो आएगी 22.02 mm। उसके बाद आप देखेंगे ये रॉन्ग रीडिंग आप कैसे लेते हैं, तो ये सही रीडिंग है। अब अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो कभी कभी गलती क्या हो रही है, यहाँ पे गलत रीडिंग कैसे ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे सपोज हमें क्या है, हमने 21 ले लिया और ये मेन स्केल हो गया, सब स्केल में हमने क्या ले लिया, अब जब 21 आप ले लेंगे तो इस 21 के आगे ये 0.5 वाला भी रीडिंग आपको दिख रहा है, 21 है और 21 के आगे 0.5 भी दिख रहा है, तो हमने क्या किया 0.50 mm ले लिया, एक डिवीजन का वैल्यू है। उसके पीछे जो रीडिंग है वो आपको नहीं लेना है, ये ध्यान रहे कि ये जीरो है, फिर उसके बाद 0.5, फिर 1, फिर ये 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, इस प्रकार से चलता होते हुए ये 20 है, तो ये 20.5, ये 21 है और ये 21.5 हो जाता है। तो हमने 0.5 ले लिया तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 21.5 हो जाएगा। और इसमें जो आप देखेंगे
थिम्बल स्केल का रीडिंग वही रहेगा, तो ये टोटल जो आपकी वैल्यू आ रही है 21.52 मिलीमीटर। अब आप इसमें पिक्चर में देखिए, आप देखिए ये 21.5 के लगभग बराबर है और ये लगभग 22.5 है, बहुत माइनर आगे निकला हुआ दो डिवीजन। तो आप देखेंगे ये 21वीं जो लाइन है, 21.5 वाली लाइन है, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप है। तो गैप का मतलब ये है कि ये और कुछ रीडिंग आगे है, जो कि इस पिक्चर के द्वारा अगर आप इसको मानेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये 21.5 पे ओवरलैप करना चाहिए। ये जो कोर है थिम्बल स्केल का, ये आगे की तरफ होना चाहिए 21.5 की तरफ, लेकिन वो क्या है और दूर निकला हुआ, जिसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली स्केल में कुछ रीडिंग है, वो 22 है, जो कि आपको दिख नहीं रही। तो इस तरीके से ये वाला रीडिंग गलत हो जाएगा और ये वाला रीडिंग सही होगा। आगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। अब एक और रीडिंग आपको लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये राइट रीडिंग मेन स्केल, आप जब भी देखेंगे मेन स्केल रीडिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीरो की स्थिति कहाँ पे है। सबसे पहले वो देखना है कि जीरो की स्थिति कहाँ है, तो सेंटर लाइन से जीरो ऊपर की तरफ है। तो जीरो क्योंकि यहाँ पे क्रॉस करेगा तो एक चक्कर इसका पूरा होगा, क्योंकि अभी क्या है ये आपको 21 हो गया और 21 के बाद ये 21.5 है और 22वें चक्कर में अभी है, 22वीं रीडिंग के अंदर है, लेकिन वो जो जीरो है वो यहाँ पे सेंटर लाइन के नीचे नहीं है, ऊपर है। तो जिस प्रकार से हम एक नट बोल्ट को खोलते हैं, तो जब हम खोलते हैं तो अब जब खोलेंगे एक चक्कर पूरा भी हाँ हुआ नहीं है, तो वो एक चूड़ी आपको दिखेगी नहीं। तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो अभी क्योंकि ये जीरो जो है यहाँ पे नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 22वीं रीडिंग नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हमारा कितना रहेगा, 21.001 मिलीमीटर, और उसके बाद सब स्केल रीडिंग यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने जब 21 इसको लिया है तो ये 21.5 वाली लाइन भी, 0.5 वाली लाइन भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हमने इसको ले लिया, 0.50 मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ पे जब थिम्बल स्केल रीडिंग की बात आएगी, तो ये सेंटर लाइन जो आपको दिख रही है, सेंटर लाइन, उसके नीचे कितने खाने हैं यहाँ से काउंट करेंगे, 46 डिवीज़न है। एक डिवीज़न का वैल्यू कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर, तो उसको हम गुणा कर देंगे 46 से, तो कितना आ जाएगा, 46 को जब हम 0.01 मिलीमीटर से गुणा करेंगे तो 46 गुणे 1.01 रहेगा, तो उसमें जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0.46 मिलीमीटर आ जाएगा। और अब इसमें टोटल जब हम इसको जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 21.96 मिलीमीटर। अब रॉन्ग रीडिंग में क्या हो जाता है, आपने मान लो 21 माना और नीचे की गिनती आप मान लो भूल गए कि इसके नीचे जो सब स्केल है उसको भूल गए, तो आपने उसको जीरो मान लिया। अब आपको थिम्बल स्केल में देखेंगे तो 46 डिवीजन दिखेगा और जब जोड़ेंगे तो 21.46 मिलीमीटर हो जाएगा, जो कि गलत है। अब आप देखें 21.5 के आसपास ये है रीडिंग, तो जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 21 है और ये आपका इस पे 0.5 भी दिख रहा है, उससे बहुत आगे यहाँ पे गैप दिख रहा है नीचे वाला, यहाँ देखेंगे 21.5 के आगे भी गैप है, तो इसका मतलब वो 21.5 के ऊपर है और जबकि आपका 21.5 के अंदर रीडिंग आ रही, तो ये गलत है। अब आप मान लेते हैं आपने 22 ले लिया, अब मेन स्केल मान लेते हैं, सपोज गलती हो गई आपसे 22 ले लिया, तो 22 में क्या हो गया, आप 22 के आगे तो नीचे वाली स्केल में कोई खाना लेंगे नहीं, तो उसमें आपका जीरो मान लिया। उसके बाद आपने क्या किया, थिम्बल स्केल को क्या है 46 मानते हुए उसको लिस्ट काउंट से गुणा करके आपने लिखा, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है 22.46 मिलीमीटर, लगभग 22.5 है ये, और जबकि हमें 22वीं लाइन दिख नहीं रही है, और ये 22.5 कैसे हो सकता है, इस पे आपको जोर देने की ज़रूरत है। तो ये भी रीडिंग गलत हो गया, 22.5 के आसपास आ रहा ये भी गलत है, ये 21.5 के आसपास आ रहा ये भी गलत है, और ये 21.96 मिलीमीटर आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है, अगर ये 4 डिवीज़न नीचे आ जाए, अगर ये जीरो जो लाइन है वो सेंटर लाइन पे आ जाता, मतलब इसमें 4 डिवीज़न की कमी है, अगर ये नीचे आ जाता तो ये कितना हो जाता, 22,
और आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ये नीचे लाएंगे तो ये 22वां लाइन बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सही और गलत जो रीडिंग है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, अगला एग्जांपल फिर से आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर से आप वही समझिए, मेन स्केल रीडिंग आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे 20, 21, 22। अब क्योंकि जीरो सेंटर लाइन के नीचे चला गया है, यहाँ पे प्रॉब्लम कब आता है कि जब जीरो जो है सेंटर लाइन के आसपास आ जाता है तब दिक्कत होती है, तब एरर के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या समझना है कि जीरो की स्थिति नीचे है तो जिसमें ये कोर टच कर रहा है उसमें, उस डिवीजन में, उस रीडिंग में ये जुड़ जाएगा। अगर ये जीरो ऊपर है तो जिसमें ये कोर टच करेगा उसमें वो माइनस होगा। सपोज इसमें क्या 22 में टच कर रहा है, तो 22 में टच हो रहा है तो जीरो नीचे है तो ये प्लस होगा उसमें। तो हमने देखिए यहाँ पे 22 ले लिया और सब इसके लिए यहाँ पे जीरो रहेगा क्योंकि 22 के आगे कोई खाना नहीं है। ये 21.5 है, ध्यान दीजिएगा ये 21 है, ये 21.5 है, तो यहाँ पे रीडिंग जीरो रहेगा। अब थिम्बल स्केल इसका देखेंगे तो इसमें तीन डिवीजन दिखेगा, 0, 1, 2, 3। एक डिवीजन का वैल्यू है 0.01, तो तीन डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.03 मिलीमीटर, और जब आप जोड़ देंगे तो 22.03 मिलीमीटर है। अब इसमें गलत रीडिंग आपसे कैसे हो सकता है, इसको आपने मान लो 21 माना, 22 नहीं माना, तो आपने देखा 21 हो गया। अब 21 के आगे नीचे वाले खाने में एक खाना दिख रहा है तो 0.5 आपने ले लिया, और उसके बाद अब आप इसमें थिम्बल स्केल में आएंगे तो 0.03 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21.53 मिलीमीटर, जो कि 21.5 के आसपास है। और आप देखेंगे यहाँ पे नीचे वाली जो लाइन है 21.5, उससे बहुत ज़्यादा गैप इसमें दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 21.5 से बहुत ज़्यादा आगे है, और इस प्रकार से आप अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो जब भी हमें कन्फ्यूजन हो तो हमें दो रीडिंग निकालना चाहिए और फिर उसको दोनों को क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये रीडिंग जो कि बहुत ज़्यादा गैप के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 22.03, मतलब बहुत ही मामूली जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, मात्र तीन डिवीजन के साथ ये शिफ्ट हुआ है, तो 22.03 वाला रीडिंग सही है और ये वाला 21.53 वाला रीडिंग गलत है। अब कुछ और पिक्चर के द्वारा हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने आपको रीडिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेन स्केल में कितना डिवीजन दिख रहा है, 6। तो हमने मेन स्केल डिवीजन हो गया 06.00 मिलीमीटर, ठीक है, 6 मिलीमीटर हो गया क्योंकि एक डिवीजन 1 मिलीमीटर है। और उसके बाद सब स्केल में आप देखेंगे तो 6 के आगे नीचे वाली स्केल में 6 के आगे, ध्यान दीजिएगा 6 के आगे जो रीडिंग है उसमें एक खाना दिख रहा है, तो एक खाना का वैल्यू कितना है 0.50 मिलीमीटर। और उसके बाद थिम्बल स्केल अब आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आसपास जीरो नहीं है तो बड़ा आसानी से हो जाता है, तो 25, 26, 27, एक डिवीजन का मान 0.01 मिलीमीटर, तो 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.27 मिलीमीटर हो जाएगा, टोटल स्केल रीडिंग इसकी निकल के आई 6.77 मिलीमीटर। अब इधर वाले में देखेंगे, दूसरे वाले पिक्चर में आप देखिए इसमें क्या है कि जीरो क्योंकि ऊपर है तो वो सातवीं लाइन में टच हो रहा है, तो सातवीं लाइन अब नहीं लेना है क्योंकि जीरो उसके ऊपर जा रहा है। अगर ये जीरो यहाँ आ जाता तो ये 7 हो जाता, अभी ये आपको 6 मान के चलना है, तो 6 डिवीजन हो गया ऊपर और नीचे 0.5 है। और उसके बाद थिम्बल स्केल आप देखेंगे 45 है, 46वीं लाइन जो है अभी नीचे नहीं आई है। जितना लाइन नीचे होगा इस सेंटर लाइन से या डेटम लाइन से नीचे होगा उतने लेना है आपको, तो 45 है तो उसको लीस्ट काउंट से गुणा करके आपने लिखा हुआ, तो ये सब जोड़ देंगे तो अब कितना आएगा 6.95 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से ये रीडिंग आपने समझा। अब क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया है पास, तो आप देखेंगे कौन सी लाइन में, मेन स्केल में टच हो रहा है कोर की,
सब स्केल में टच हो रहा है। जिसमें टच हो रहा है अगर जीरो ऊपर है तो उसमें कम होगा, और अगर जीरो नीचे है तो उसमें वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट हो गया, क्योंकि अभी ये 7 में टच हो रहा था और रीडिंग 0 ऊपर है, इस वजह से हमें 7 नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब आता है एरर कैलकुलेशन। एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कभी भी आपको माइक्रोमीटर का एरर चेक करना है तो सिंपली क्या करेंगे, स्पिंडल और एनविल के बीच में शाफ्ट कर लेंगे और रैचेट के हिस्से से इसको टाइट करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि ये वाली लाइन अगर जीरो से मैच हो जाता तो इसमें कोई एरर ना होता। लेकिन अभी क्या है कि इसका जो लाइन है वो जीरो पे नहीं है, वो 5 के पर है मैच हो रहा, जीरो नीचे है और ये 5 पे, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। जीरो यदि सेंटर लाइन के नीचे की तरफ है तो इसको पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव का मतलब पहले से कुछ रीडिंग है इसके अंदर, उसको पॉजिटिव बोलेंगे। तो इसमें 5 डिवीजन का रीडिंग है, 1 डिवीजन का मतलब कितना है 0.01 मिलीमीटर, तो टोटल 5 डिवीजन को उस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरर कितना आ गया 0.05 मिलीमीटर। अब नो एरर वाला पिक्चर आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर लाइन है उससे जीरो मैच हो रहा है, इसको बोलते हैं नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अब नेगेटिव एरर में देखेंगे तो नेगेटिव एरर में क्या होता है, जीरो ऊपर रहता है सेंटर लाइन से, इसको नेगेटिव एरर बोलेंगे, सॉरी। अब इसमें 5 डिवीजन का एरर है, इसमें उल्टी साइड से गिनना है आपको, इधर से गिनना 1, 2, 3, 4, 5, इसमें उधर से गिनना है, ऐसा ना हो कि आप नीचे से गिन ले तो इसमें 45 आ जाएगा, उधर से गिनना है। 5 डिवीजन अगर इधर आ जाता तो ये क्या हो जाता, लाइन से मैच हो जाता। तो अब इसमें 5 डिवीजन का एरर हो गया, तो एरर जो आएगा इसमें ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस 0.05 मिलीमीटर। और जो पॉजिटिव एरर है पॉजिटिव साइन के साथ आता है, पॉजिटिव जो है वो लिखा नहीं जाता है। अब ये ध्यान रहे आपको कि फाइनल जो रीडिंग आएगी उसमें टोटल वैल्यू माइनस एरर रहेगा, ध्यान रहे। एरर सदैव क्या करते हैं, टोटल जो वैल्यू आती है उसमें माइनस किया जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कि सपोज आपका जो स्केल अभी जो मैंने एरर बताया उसमें 5 डिवीजन का एरर था, तो ये आपने टोटल वैल्यू निकाला 22.40 मिलीमीटर, पॉजिटिव एरर के साथ आपको माइक्रोमीटर मिला था। तो अब आपने फाइनल रीडिंग में क्या किया है, टोटल वैल्यू माइनस एरर, तो क्योंकि ये प्लस साइन के साथ था तो माइनस ही रहेगा, तो इसमें माइनस करेंगे 22.40 मिलीमीटर में माइनस 0.05 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा 22.35 मिलीमीटर, ये आपका फाइनल रीडिंग आएगा। अब रीडिंग 2 में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव एरर के साथ यदि आपको मिला था 5 डिवीजन का नेगेटिव एरर था, इस रीडिंग आपका कितना आया 22.40 इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो 22.40 है तो उसमें क्या करेंगे आप 22.40 माइनस करेंगे, और जो एरर था वो माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं 0.05 मिलीमीटर लिखा हुआ है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपकी जो फाइनल रीडिंग निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22.45 मिलीमीटर। इस तरीके से हम एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको जीरो एरर मिला है, सपोज ये वाला माइक्रोमीटर आपको मिला है, तो आपको कोई भी रीडिंग प्लस माइनस नहीं करना है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो एरर होता है वो सदैव जो टोटल वैल्यू है उसमें माइनस होगा, तो जो पॉजिटिव एरर के साथ रहता है वो माइनस हो जाता है, और जो नेगेटिव एरर के साथ आता है वो लास्ट में प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना रीडिंग जब चलेगा, ये जो जीरो है जब यहाँ से आएगा तब रीडिंग कैलकुलेट करना चालू करेगा। अब यहाँ पे जो है इतना जो पीछे था उसको हमें क्या है, इस पीछे वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे वाली रीडिंग में जोड़ना पड़ेगा, फाइनल रीडिंग में, इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि ये जो है यहाँ से आएगा तब कैलकुलेशन चालू करेगा।
ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, नेगेटिव एरर प्लस हो जाता है। अब जब प्लस वाली रीडिंग देखोगे तो आप देखोगे इसमें पहले से इतना रीडिंग है, तो अब इसमें पहले से इतना रीडिंग है तो ये माइनस करना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे आएगा ऊपर। ठीक है, इस वजह से ये पॉजिटिव जो एरर होता है ये माइनस हो जाता है और नेगेटिव एरर जो होता है वो लास्ट में प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आप अपने नॉलेज को चेक करेंगे, चेक योर लर्निंग। अब आपके सामने दो रीडिंग दी गई है, दो पिक्चर दिखा गया है। अब इस वीडियो को यहाँ पे रोकिए और अपने नॉलेज को चेक करिए। अब इसके बाद आप इसका रीडिंग देखेंगे तो कितना आएगा, ये सामने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इस रीडिंग से अपनी रीडिंग को चेक करिए और आप देखिए आपने क्या सीखा है। थैंक यू, धन्यवाद।